हेलो एवरीवन, आई एम ममता। तो इंग्लिश ग्रामर की क्लास है आज, और आज हम पढ़ रहे हैं, आज हमारा आज का टॉपिक है वो है इज एम आर, यानी कि कहाँ पे इज आएगा, कहाँ पे एम आएगा और कहाँ पे आर आएगा, उसका कंफ्यूजन दूर करेंगे और देखेंगे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारे सेंटेंसेस को जहाँ पे कि हमारा जो डाउट है इज एम आर को लेकर कि कहाँ इज आएगा, कहाँ एम आएगा और कहाँ आर आएगा, वो भी देखेंगे, चाहे वो सेंटेंसेस एफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो या फिर चाहे इंटरोगेटिव हो, तीनों टाइप के सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे इज एम आर कहाँ पे आता है। तो पहले तो देख लेते कि इज एम आर एक साथ लिखा हुआ है, यानी कि कुछ होगा एक दूसरे से लिंक। तो यहाँ पे देख लेते जो इज आता है वो आता है, इसका मतलब नॉर्मली अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इज आता है ही शी इट या कुछ भी सिंगुलर नंबर हो, कुछ भी कैसा नंबर हो, सिंगुलर नंबर, यानी कि ही शी इट के अलावा भी कोई सिंगुलर नंबर हो सकता है, वो किसी का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि सिंगल नाम हो सकता है, कोई एक चीज हो सकती है। तो वहां पे क्या आएगा, इज आएगा ही शी इट या सिंगुलर नंबर, यानी कि जो हम थर्ड पर्सन भी बोल सकते हैं, थर्ड पर्सन के साथ भी क्या आएगा, इज आएगा। एम को देखते हैं, एम किसके साथ आता है, एम का तो बस एक ही चीज है और वो आता है आई के साथ। जब हम टेंसेस पढ़ रहे थे, जब हमने टेंस के बारे में बात की थी, तो वहां पे भी हमने देखा था कि आई के साथ मोस्टली अलग चीजें आती हैं। आई ना तो सिंगुलर होता है और ना ही प्लूरल होता है, ना तो वो सिंगुलर नंबर के साथ काउंट किया जाता है और ना ही प्लूरल नंबर के साथ काउंट किया जाता है। इसलिए आई के जो केसेस होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं। तो एम किसके साथ आएगा, आई के साथ आएगा, और आर आएगा, आर किसके साथ आएगा, अब क्या रह गया, ही शी इट आ गया, सिंगुलर नंबर आ गया, थर्ड पर्सन आ गया, एम के साथ आई आ गया, तो यहाँ पे यू जो बचा हुआ है, जो सेकंड पर्सन है, इसके अलावा वी जो फर्स्ट पर्सन है लेकिन क्या है, प्लूरल नंबर है, यू वी दे, फिर कोई भी प्लूरल नंबर, यानी कि कुछ बहुत सारी चीजें हो सकती है, वहां पे क्या आएगा, आर आएगा। तो क्या हो गया, इज आ गया ही शी इट और सिंगुलर नंबर के साथ, एम आ गया आई के साथ, आर आ गया यू वी दे और प्लूरल नंबर, यू यानी कि तुम या आप, वी मतलब हम, दे मतलब वो, और प्लूरल नंबर मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारी कोई भी चीज क्या हो सकती है, प्लूरल नंबर में हो सकती है। तो वहां पे क्या आएगा, आर आएगा। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आई एम अ स्टूडेंट। पहले हम एफर्मेटिव से स्टार्ट करेंगे, एफर्मेटिव का मतलब जिन सेंटेंसेस में एफर्मेशन दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम अ स्टूडेंट, यानी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक छात्र हूँ या छात्रा हूँ, तो क्या आएगा, आई एम अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे एम क्यों आया, क्योंकि क्या है, आई है, आई एम अ स्टूडेंट। इसके अलावा शी इज डॉक्टर, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, शी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, शी के बारे में बात हो रही है, तो शी के साथ क्या आएगा, इज आएगा, शी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। इसके अलावा दे आर क्रिकेटर्स, दे आर क्रिकेटर्स या प्लेयर्स भी हो सकता है, दे आर, अब दे के साथ क्या आया है, आर आया, क्योंकि क्या बोला था, प्लूरल नंबर यू वी और दे के साथ क्या आएगा, आर आएगा। तो आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, शी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, दे आर क्रिकेटर्स और प्लेयर्स, यानी कि वो क्या है, क्रिकेटर्स है या प्लेयर्स है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, दे के साथ आर आ जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हो सकती है, जैसे He is a singer. वह क्या है, एक सिंगर है, He is a singer. We are
एट होम, यानी कि हम कहां पर हैं, वी है तो वी के साथ क्या आएगा, आर आएगा, वी आर एट होम। तो इतना समझ में आगे होगा, एम इज और आर कहां पे आएगा, एम आया आई के साथ, इज आया ही शी इट या सिंगुलर नंबर के साथ, और आर आया प्लूरल नंबर या वी दे, जहां पे भी यू वी दे या कोई भी प्लूरल नंबर हो तो क्या आएगा, आर आएगा। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में कैसे इज एम आर का यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। या फिर चीजें ऐसे भी हो सकती हैं, एक और कुछ और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे शी इज ओल्ड, शी इज ओल्ड, ऐसा एग्जाम्पल भी हो सकता है। शी है तो इज आएगा शी के साथ, यानी कि इज किसके साथ आएगा, ही शी इट के साथ। तो शी इज ओल्ड यानी कि वह वृद्ध है या ओल्ड है। इसके अलावा आई एम टायर्ड, यानी कि मैं थकी हुई हूं, तो क्या आ जाएगा, आई एम टायर्ड, आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, आई एम टायर्ड, मैं थकी हुई हूं। इसके अलावा इट इज कोल्ड, यानी कि क्या है, ठंडा है, यहां पे ठंडा है, तो क्या आ जाएगा, इट इज कोल्ड। दे आर, फिर दे नहीं लिखते हैं, कुछ और लिख लेते हैं दे की जगह, फ्लावर्स, फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल, फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल, यानी कि जो फूल है वो क्या है, खूबसूरत है। तो किस तरह से इज आया या एम आया या आर आया समझ में आ गया होगा, फ्लावर्स क्या है, यहाँ पे प्लूरल नंबर है, फ्लावर्स क्या है, प्लूरल नंबर है, तो क्या आएगा, आर आएगा, इट के साथ क्या आएगा, इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, और शी के साथ इज आएगा। शी इज ओल्ड, वह वृद्ध है, आई एम टायर्ड, मैं थकी हुई हूँ, इट इज कोल्ड, यहाँ ठंडा है, फ्लावर्स आर, इट इज कोल्ड मतलब यहाँ ठंडा है या बाहर ठंडा है, फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल यानी कि फूल क्या है, खूबसूरत है। तो ये ऐसे भी आएगा, ऐसे भी चीजें होंगी। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं कैसे इज एम आर आता है। जैसे यहां पे आ जाएगा शी इज, शी इज नॉट अ सिंगर, शी इज नॉट अ सिंगर, यानी कि वह एक सिंगर नहीं है। ये क्या है, नेगेटिव है। तो नॉट कहां पे आया, इज के बाद आया, सबसे पहले सब्जेक्ट आया सी, फिर इज आया, फिर नॉट आया, और बाकी जो ऑब्जेक्ट है या बाकी जो और पार्ट है सेंटेंस का वो आया। तो शी इज नॉट अ सिंगर यानी कि वह एक सिंगर नहीं है। दूसरा आ जाएगा इट इज नॉट कोल्ड, यानी कि यह ठंडा नहीं है या यहाँ ठंडा नहीं है। तो इसके बाद क्या आया, नॉट आया। इट क्या है, पहले सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। इसके अलावा दे, दे के साथ क्या आएगा, आर, दे आर नॉट प्लेयर्स, दे आर नॉट प्लेयर्स, यानी कि वो क्या नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, प्लेयर्स नहीं है। तो आर के बाद क्या आ गया, नॉट आया, और आर क्यों आया, क्योंकि दे है। इट के साथ इज आया, शी के साथ भी इज आया। इसके अलावा एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, यानी कि मैं एक स्टूडेंट नहीं हूं। तो आई एम के बाद क्या आया, नॉट आया। आई क्या है, सब्जेक्ट है, एम आया, फिर एम के बाद क्या आया, नॉट आया। तो ये इस तरह से इज एम आर का यूज होगा नेगेटिव सेंटेंस में। अब इसके बाद इंटरोगेटिव भी देख लेते हैं, इंटरोगेटिव में कहां पे इज एम आर आएगा। तो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, आर यू फाइन, आर यू फाइन। अब ये कैसे हुआ,
जो इज एम आर है वो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा। इज एम आर क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सेंटेंस में, क्योंकि अगर हम रिकॉल करने की कोशिश करें एक बार, जो हमने टेंसेस पढ़े थे, जब हम टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में पढ़ रहे थे, वहां पे भी हमने इज एम आर का यूज देखा था कि कहाँ पे इज आएगा, कहाँ पे एम आएगा और कहाँ पे आर आएगा। तो हमने देखा था कि जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे थे तो इज एम आर क्या था, हेल्पिंग वर्ब थी हमारी, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सबसे पहले आती है हमेशा। तो आर तो आ गया सबसे पहले, फिर यू क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, आर के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर बाकी का जो सेंटेंस का पार्ट है। तो आर यू फाइन, इसका आंसर हो सकता है यस और नो, यानी कि क्या तुम ठीक हो, तो आर यू फाइन, क्या तुम ठीक हो। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे पहले इज एम आर आएगा, इज He your brother? लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। इज क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, ही है। मैंने क्या बताया, जब भी इज एम आर आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो इज ही योर ब्रदर क्या हुआ, तुम्हारा भाई है। तो इज ही योर योर ब्रदर क्या हुआ, तुम्हारा भाई है। तीसरा आ जाएगा, आर दे लिव हियर? नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, यहां पर कुछ और आएगा। आर दे प्लेयर्स, इसी सेंटेंस को कर लेते हैं, आर दे प्लेयर्स, क्या वे जो है, या फिर क्या वो प्लेयर्स है, तो क्या आएगा, आर दे प्लेयर्स। ही के साथ आया इस, दे के साथ आया आर, यू के साथ भी क्या आया आर। इसके अलावा एम आई अ स्टूडेंट, एम आई आर स्टूडेंट, क्या मैं एक स्टूडेंट हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि आई के साथ क्या आता है, एम आता है, पहले एम आएगा फिर आई आएगा, सब्जेक्ट अ स्टूडेंट, क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो इस तरह से चीजें आएंगे इंटरोगेटिव में, आर यू फाइन, क्या तुम ठीक हो, इज ही योर ब्रदर, क्या वो तुम्हारा भाई है, आर दे प्लेयर्स, क्या वो प्लेयर्स है, खिलाड़ी है, एम आई अ स्टूडेंट, ठीक है, क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा जो डब्ल्यू एच फैमिली वाले हो सकते हैं वो ऐसे हो सकते हैं, जैसे इसका पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो डब्ल्यू एच फैमिली से आते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली, यहाँ पे चीजें या जो एग्जाम्पल है वो ऐसे हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू, यानी कि तुम कैसे हो या आप कैसे हो। तो हाउ आएगा सबसे पहले, जो डब्ल्यू एच फैमिली मैंने टेंस के टाइम भी बताया था, जो डब्ल्यू एच फैमिली है वो सबसे पहले आती है, फिर आता है इज एम आर या हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, हाउ आर यू। दूसरा हो सकता है, व्हेन इज, व्हेन इज, व्हेन आर आएगा, व्हेन आर Your exams, यानी कि तुम्हारे exams कब है, when are your exams? तो how are you आएगा, when are your, क्योंकि your क्या है, subject है, you के बारे में बात हो रही, तो क्या आएगा, are आएगा। या फिर ऐसे आ सकता है, why is she upset? Why is she upset? यानी कि वह परेशान क्यों है, तो why is आया, फिर पहले डब्ल्यू एच फैमिली, why, फिर is, फिर she है, तो she के साथ क्या आता है, is आता है, इसलिए is आया, फिर subject और फिर upset, कि वह परेशान
क्यों है। तो ये इस तरह से चीजें होंगी, चाहे वो एफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, या चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। ये है बहुत छोटी छोटी चीजें कि कहाँ पे इज आएगा, कहाँ पे एम आएगा और कहाँ पे आर आएगा। लेकिन कई बार चीजें इसमें क्या हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है इन चीजों में। तो आज हमने देखा इज एम आर कहाँ पे यूज होता है और कैसे यूज होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे। तो आई होप आपको समझ आया होगा आज का इज एम आर का जो हमारा टॉपिक था जो डिस्कस किया अभी तक। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।